हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। एंड गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है गजरौले में, जो यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर है। और बस मैं भी रेडी हो जाता हूँ और दो तीन दोस्तों को उठाना है, उसके बाद निकलते हैं हम सीधा गजरौला। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम जा रहे हैं कार लेने। आप भी सोचते होंगे यार कितना ड्रामा करते हैं, अब यहाँ से पैदल जाएंगे। लेकिन भाई ये आपको हम अपना स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत करते हैं हम व्लॉग बनाने के लिए। जितने आप हमारे यहाँ की अली बस देख लीजिए, जो बहुत ही शानदार बनी हुई है, देखिए। अभी हम चल रहे हैं अली मस्जिद वाले रोड पर और यहाँ से अभी भी बहुत दूर है हॉस्पिटल हमारा, कोई नहीं चलते हैं। अब आप यहाँ का देखिए सिनेमा हॉल कहाँ है भाई, थोड़ी दूर है, यहीं से देख लिए। भाई हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर, हर चीज़ की सुविधा है। पता नहीं कौन गाँव बोलता है, चलो एक दिन चांदपुर आने के लिए तरसाद हुआ, इतना नाम रोशन करना है चांदपुर का। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, फाइनली हम लोग आ चुके हैं कार के पास और जी यहाँ पर खुल गया भाई होटल। पहले यहाँ पर होटल नहीं था, अभी भी होटल खुला है भाई। मेरे तो यहाँ पे इधर की साइड लगा, इस कारों में दर्द होने लगा। नहीं नहीं नहीं, समझ के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। गलत मत समझना भाई, इतनी दूर चल के आऊँगा तो थोड़ा बहुत तो दर्द होती है। बस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, निकल चुके हैं यहाँ से अपने हॉस्पिटल से। तो अभी हमें दोस्तों को लेने जाना था लेकिन भाई ये सामने आ गए, देखो मैं जिन्हें देखो इन्हें भी उठाना था भाई बिना के आगे। अभी एक और बंदे को उठाना है, सलाम वालेकुम। भाई ये गलती हो गई यार। क्या हो गया? 20 रुपए दोगे तो एक रास की बात बताऊंगा। चलो भाई अब यहाँ से निकल ले, बस आखिरी बंदे को उठाना है वहाँ से, निकल जाएंगे। अच्छा हम आ चुके हैं किसके पास? परम के पास। भाई फोन सुबह से तो फोन कर रहा था कि भाई काम में जल्दी आ रहा हूँ, मैं तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया। अभी हमें यहाँ पर खड़ा कर रहा है अपने गली के बाहर। चलो भाई सब लोग आ चुके हैं, ऑटो है दिल्ली वाले, यहाँ से यूनियन से सीधे ही जाना पड़ता है गजरौले के लिए। चलो भाई गुरुद्वारा यहाँ का भाई जा कहाँ रहे हो? वहाँ गजरौले में कहा नहीं जा रहे, बस मजा करने जा रहे हैं इतना बता रहे हैं। भाई ये रहा हमारा स्कूल, हम रोज पढ़ने आते हैं। अच्छा है पैसे की भाई बिल्कुल चिंता नहीं, पैसे भाई ये सब लोग कर लेते हैं, मैं तो एक रुपया लेते नहीं। पूछो पैसे तो बकरी ना चाह करी, इतना पैसा इसके बाद पिछले साल का 500 का नोट है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। मैंने तो इसका नाम गलत ही लिया, ये दोनों देख लो चेक कर लो। चलो भाई जगी भाई ने पेटिंग कर दी, केश की वहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। गजरौले आवाज आनी चाहिए थोड़ी सी, अब मैं पढ़वाया जब पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सखर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुन कलिबून लमुन कलिबून लमुन कलिबून। दुआ पढ़ ली है हमने, इंशाल्लाह ठीक ठाक पहुँचेंगे, सेफ्टी के साथ पहुँचेंगे। भाई पेंट लगा लियो अपनी, ठीक है? गाली मत पके, फिर व्लॉग काटना पड़ेगा। अच्छा व्लॉग बनिया
भाई इस वजह से तो गाड़ी चेक होगी हमारे पानी को भाई सामान वाला ना अब वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा मतलब कि एक तो वो भी खुला हुआ है ना पे स्टारबक्स और KFC वगैरह और गार्डन भी है एंड वहाँ पर फेमस लोग भी रहते हैं मतलब कि अभी फेमस होने लगे और यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगे राउंड टू वर्ल्ड वाले मतलब कि बहुत ही तरक्की में आई भाई अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसका 12 क्लास हो जाए मतलब पास हो जाए तो मैं फेंक तो नहीं गया इतनी साले इतनी लंबी लंबी फेंक है कितने 75,000 में कितने जीरो लिए पता नहीं बहुत बिजनेस मैन आदमी हमारे कान में बैठे हुए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया दफना गए हुए फाइनली हम लोग आ चुके हैं राउंड टू वर्ल्ड वालों के मोहल्ले में और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट उनके घर के पास यानी कि ऑफिस है ना भाई ऑफिस है फिर ऑफिस के पास फाइनली घर भी हां नहीं हम तीन क्लासमेट हैं ये भाई और मैं हाँ हम तीन क्लासमेट हैं लोग मिल चुके हैं फैजान भाई से बहुत सारी बातें की लेकिन भाई और मतलब के जो लकी भाई है उनकी तबीयत खराब हो रही थी जो सलमान भाई है वो भाई गए होते हैं अमरोहा अब हम जा रहे हैं कहाँ पर कुछ खाने पीने लोग आ चुके हैं स्टारबक्स इसके लिए पैसे तो है नहीं हमारे पास क्योंकि भाई 550 के यहाँ पे खाली कॉफ़ी है तो भाई सामने है KFC हम इसमें भी नहीं जाएंगे क्योंकि भाई जकी भाई कह रहे थे यार KFC में जाना हराम है तो भाई हराम है तो अभी सामने है 1D भाई अभी फिलहाल गजरोला आ चुके हैं भाई गजरोला हमारा यूपी लगता है भाई यूपी व्यू देखो भाई हर चीज़ मिलेगी आपको हर चीज़ अवेलेबल है KFC वगैरह सब हर चीज़ की जाँच मिलेगी रेड टैप वगैरह सब चीज़ मिलेंगी आपको ढाबा वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर और खूब मजे लो इधर आगे भाई बहुत मज़ा आया बस ऐसा होना चाहिए भाई बाकी सारी चीज़ें इधर सिस्टम है पैसा का सारा अच्छा लगता है भाई AC की मजे लेने आगे वैसे आप खाना होना तो कितना भाई बहुत ही ज़्यादा स्टारबक्स की AC की हवा खा ली जा रहे हैं अपनी पेट पूजा करने फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने मेट्री के अंदर और हमने अपना ऑर्डर बुक कर दिया है और बहुत ही देर हो गया ऑर्डर हमने बहुत देर पहले बुक कर दिया था कम से कम 15 मिनट हो गई अभी तक लेके नहीं आए भैया देवा इसने भी व्लॉग शुरू कर दिया इतना बड़ा होटल में देखो मैं पता काम आया हूँ क्या चप्पा भाई ऐसी है हमें लोगों की पहचान होती है लोगों को नहीं दिखा उसमें क्योंकि गरीब से हम भाई लाए हैं
ये बिस्लरी। मैंने इनसे कहा था मैं मत लाओ लेकिन नहीं ला नहीं है ना, पैसा बहुत बच रहा है इनकी जेब में। 20 रुपए की मिलती है भाई, 80 रुपए की लेकर आ गए, उठा के ले आए दो, लेकर आए कितने की होगी तो 160 रुपए की दो बोतल ले आया भाई, 40 रुपए में काम हो जाता है यार हमारा, ओपन करवाने पर लगे हुए हो। एक बोतल में एक बूंद नहीं, एक गुट 10 रुपए का समझे इसका। कोई नहीं, बस अपने ऑर्डर का इंतजार करे, बहुत देर होगी यार, कम से कम 15 मिनट से ज्यादा हो गए है ना भाई। पिज्जा भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा फाइनली हमारा आ चुका है ऑर्डर, ये हमने बर्गर लिए और ये भाई केएफसी बर्गर खा के थोड़ा सा पेट भर जाएगा तो भाई बहुत ही सुकून मिलेगा। It's all straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. मैक धोनी में हमने बर्गर खाए और मतलब के पेप्सी भी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। और अभी हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, कार खड़ी हुई है हमारी स्टारबक्स के पास और खाना है मैकडी की तरफ। राइडर्स यहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे मतलब के उनकी राइडिंग देख ली, अच्छे भाई सबको बढ़िया थे, उनकी बाइक खतरनाक थी, एक के पास तो कम से कम 19 लाख की गाड़ी थी। आई होप आपको ये लोग पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू गाइज, बाय बाय, लव यू।